हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी वेव्स के मतलब ही है। हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं। इसको अब हमने एक एक्टिविटी के जरिए समझना है, तो वो एक्टिविटी बहुत सिंपल इजी है। आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो स्कूल की या कॉलेज की लेबोरेटरी है उसके अंदर ट्यूनिंग फोर्क होगा। ये आपके सामने पिक्चर बनी है ट्यूनिंग फोर्क की। ट्यूनिंग फोर्क को ले ले, उसको बगैर वाइब्रेट किए अपने कान के करीब लेकर आए, आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब आप उसको रबर बैंड पर या किसी चीज के ऊपर ऐसे उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है। अब इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप अपने कानों के करीब लेकर आएंगे तो आपको वाजे तौर पर आवाज सुनाई देगी। इससे साबित हुआ कि जब ये वाइब्रेट कर रहा था तो आपको साउंड प्रोड्यूस हुई, आपने साउंड को सुना, लेकिन जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वाक्य ही वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को एक सस्पेंडेड स्ट्रिंग के साथ बॉल ले लेंगे, उस बाल के करीब लेकर आएंगे। जैसे ही आप इसके करीब लेकर आएंगे ऐसे, तो ये क्या करेगी, ये इसको हिट करेगा और ये इस पोजीशन पर चला जाएगा, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा था कि वाकई ही ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप मजीद इसको जांचना चाहते हैं तो आप एक ग्लास ले लें, ग्लास के अंदर कुछ वाटर हो और उस वाटर के अंदर आप इसको डिप कर दें, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को। जैसे ही आप इसको डिप करेंगे इसके अंदर, तो ये जो वाटर है इसके अंदर मौजूद उसको स्प्लैश कर देगा ऐसे। तो ये वाटर जो है इसके अंदर ऐसे स्प्लैश करेगा, जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि हाँ वाकई ही ये वाइब्रेट कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, हर बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती।